हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी अनुपमा मैम सुप्रसिद्ध चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्न करेंगे स्टेशनरी आइटम्स। क्या लर्न करेंगे? स्टेशनरी आइटम्स, हमारे पढ़ने लिखने में जो थिंग्स, जो आइटम्स यूज़ होते हैं उनको हम स्टेशनरी आइटम बोलते हैं। तो आपको पता है आपको क्या लर्न करना है? स्टेशनरी आइटम्स। स्टेशनरी आइटम्स ये देखिए, बहुत सारे थिंग्स हैं इसमें, ग्लू वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं, स्केल, पेंसिल, पेन बॉक्स, सब ये सब सारी चीज़ें हमारे स्टेशनरी में आते हैं, है ना। ये सारे थिंग्स जो हैं, आइटम्स, हमको किस लिए यूज होता है, हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपने पढ़ने लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लर्न करेंगे स्टेशनरी आइटम्स, उनके पिक्चर्स भी आपको दिखाएंगे और उनकी स्पेलिंग भी लर्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न करते हैं स्टेशनरी की स्पेलिंग। लर्न द स्पेलिंग ऑफ स्टेशनरी। एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई, स्टेशनरी। एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई, स्टेशनरी। ये तो है स्टेशनरी की स्पेलिंग। और हमारी स्टेशनरी में पहला आइटम क्या है, चलिए देखते हैं। या पहला आइटम है पेंसिल एंड पेन। क्या है? दिस इज पेंसिल एंड दैट इज पेन। यह पेंसिल है और यह पेन है। ये देखिए, ये पेंसिल शार्प की हुई है और ये बॉल पेन है, इसको हम कहते हैं बॉल पॉइंट पेन। ओके, नॉर्मल में आप इसको पेन भी बोल सकते हैं। दिस इज पेंसिल एंड दिस इज पेन। ये पेन बहुत कलरफुल, बहुत सारे डिजाइन के, बहुत सारे ब्रांड के आते हैं। तो स्टूडेंट्स, लर्न द स्पेलिंग ऑफ पेंसिल। पहले हम किसकी स्पेलिंग लर्न करेंगे? पेंसिल की। पी ई एन सी आई एन, पेंसिल। दिस इज पेंसिल। यह क्या है? पेंसिल है। इसको आप क्या करते हैं? ड्राइंग बनाने के लिए आपके काम आती है। और आप छोटे हैं तो आप तो पेंसिल से ही राइट करते हैं, ना कि पेन से। पेन आप अगली क्लास में जाएंगे, जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तब यूज़ करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में। अभी आप क्या यूज़ करते हैं? पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या यूज़ करते हैं? पेंसिल। सो लर्न द स्पेलिंग ऑफ पेंसिल। पी ई एन सी आई एन, पेंसिल। दिस इज पेंसिल। एंड लर्न द स्पेलिंग ऑफ पेन। पी ई एन पेन। ओके, अब हम देखते हैं हमारा अगला आइटम क्या है स्टेशनरी में। हमारा अगला आइटम क्या है? इंक पेन। नेक्स्ट आइटम क्या है? इंक पेन। ये देखिए, ये है इंक पेन। इंक पेन में और बॉल पॉइंट पेन में क्या अंतर है? इसमें इंक फिल किया जाता है। क्या फिल किया जाता है? इंक फिल किया जाता है। देखिए, ये निब बनी होती है और इस यहाँ से ओपन करके हम इसमें इंक फिल करते हैं, तब ये पेन चलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंक पेन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, लुक एट दिस इज इंक पेन। इसमें क्या होता है? इंक फिल किया जाता है। लर्न द स्पेलिंग ऑफ इंक पेन। आई एन के पी ई एन, आई एन के पी ई एन। अगेन लर्न, आपको याद हुआ ये स्पेलिंग इंक पेन की लर्न हुई आपको? वंस अगेन, आई एन के पी ई एन, दिस इज इंक पेन। हम क्या देख रहे हैं अभी? इंक पेन। और हमने कौन सी स्पेलिंग लर्न की? इंक पेन की, आई एन के पी ई एन, इंक पेन। ये क्या है? इंक पेन। तो ये है हमारा स्टेशनरी आइटम। और स्टेशनरी आइटम में हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? यस, नोटबुक। दिस इज, दीज आर नोटबुक्स। ये क्या है? नोटबुक्स हैं। नोट्स बुक्स भी
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अभी ये वाला नोट्सबुक आप नहीं यूज़ करते, आप छोटी छोटी नोट्सबुक यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हैं नोटबुक्स। इस पर आप क्या करते हैं, जिस पर आप पेंसिल से राइट करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, नोटबुक। क्या कहते हैं उसको हम, नोटबुक। चलिए नोटबुक की स्पेलिंग लर्न करते हैं। एन ओ टी ई, एन ओ टी ई बी डबल ओ के, बुक। एन ओ टी ई बी ओ ओ के, बुक, नोटबुक। वंस अगेन, एन ओ टी ई बी डबल ओ के, बुक, नोटबुक्स। ये सारी क्या है, नोटबुक, जिसे आप पेंसिल से राइट करते हैं, जिस पे आप अपना होमवर्क करते हैं ना। आपको जो स्कूल से होमवर्क मिलता है या स्कूल में जो क्लास वर्क मिलता है, उस पे किस पे आप राइट करते हैं, नोटबुक पे। उसे हम क्या कहते हैं, नोटबुक कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, नोटबुक कहते हैं। सो स्टैंड लर्न द स्पेलिंग ऑफ नोटबुक, एन ओ टी ई बी डबल ओ के, नोटबुक। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला आइटम क्या होगा स्टेशनरी आइटम में, आपकी बुक में और क्या है। यस, शार्पनर। क्या है, दिस इज शार्पनर। ये देखिए शार्पनर, ये किस कलर का शार्पनर है, एलो कलर का, है ना। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, एलो। इसे हम क्या कहते हैं, शार्पनर। ये किस लिए यूज होता है, पेंसिल शार्प करने के लिए, है ना। ये किस लिए यूज होता है, पेंसिल शार्प करने के लिए। देखिए आप, ये तो ये है शार्पनर। लर्न द स्पेलिंग ऑफ शार्पनर, एस एच ए आर पी एन ई आर, एस एच ए आर पी एन ई आर, शार्पनर। एस एच ए आर पी एन ई आर, दिस इज शार्पनर। लर्न द स्पेलिंग ऑफ शार्पनर, एस एच ए आर पी एन ई आर, शार्पनर। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या हमने दिखाया आपको, ये क्या है, शार्पनर, और हमको किसकी स्पेलिंग लर्न करनी है, शार्पनर की। तो शार्पनर की स्पेलिंग होती है एस एच ए आर पी एन ई आर। क्या होती है, एस एच ए आर पी एन ई आर। तो ये था हमारा स्टेशनरी आइटम, कौन सा, शार्पनर। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे स्टेशनरी आइटम में, चलिए देखते हैं। यस, इरेजर। दिस इज इरेजर। यह क्या है, इरेजर। जब आप पेंसिल से राइट करते हैं या कोई ड्राइंग बनाते हैं तो किससे इरेज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इरेजर। सो स्टूडेंट, दिस इज इरेजर्स। इरेजर्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना। कुछ पे तो कार्टून बने होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है ना। सो स्टूडेंट्स, ये है इरेजर। ये किस लिए यूज होता है, जब हम पेंसिल से राइट करते हैं और हमारा कुछ भी रॉन्ग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको इरेज कर देते हैं। तो किससे इरेज करते हैं, इरेजर से। ओके स्टूडेंट, दिस इज इरेजर। लर्न द स्पेलिंग ऑफ इरेजर, ई आर ए एस ई आर, इरेजर। ई आर ए एस ई आर, इरेजर। ये क्या है, इरेजर। जब हमने पेंसिल देख ली, पेंसिल की स्पेलिंग लर्न की, शार्पनर पेंसिल को शार्प भी कर लिया, अब राइट करके हमने इरेज भी कर लिया। तो अगला आइटम हमारा स्टेशनरी आइटम में क्या होगा, चलिए देखते हैं। यस, पिन बॉक्स। क्या है, पिन बॉक्स। ये पिन बॉक्स, पिन किस लिए यूज होती है, कोई भी चीज़ आप जब पेपर में इकट्ठे करके रखते हो तो उसको पिन लगा के रखा जाता है ना। अभी तो आप छोटे हैं,
आपके लिए ये यूज़ नहीं होगा, आगे आपके लिए यूज़ होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पिन बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें ढेर सारी क्या रखी हुई हैं, पिंस रखी हुई हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पिन बॉक्स। ये क्या है, पिन बॉक्स। सो स्टूडेंट लर्न द स्पेलिंग ऑफ पिन बॉक्स, पी आई एन, पिन बी ओ एक्स, पिन बॉक्स। क्या है ये, पिन बॉक्स, पी आर एन, पी आई एन, पिन बी ओ एक्स, बॉक्स। साथ में पढ़ते हैं दोनों को, पी आई एन बी ओ एक्स, पिन बॉक्स। ये क्या है, पिन बॉक्स, जिसमें हम इकट्ठे ढेर सारी पिंस रख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पिंस बॉक्स। आप कहीं भी देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, और आपको बोला जाएगा कि पिन बॉक्स लाइए, जब आपको पता होगा तो आप जल्दी से उठा के ले आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज पिन बॉक्स। यह क्या है, पिन बॉक्स, जिसमें इकट्ठे हम ढेर सारी पिंस रख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पिन बॉक्स। सो स्टूडेंट एक बार और लर्न कर लेते हैं हम पिन बॉक्स की स्पेलिंग, ताकि आप भूलें ना, पी आई एन पिन B O X, पिन बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट आइटम हमारा क्या होगा स्टेशनरी आइटम्स में, इंक पॉट। क्या है, इंक पॉट। ये सारे आइटम्स आपकी बुक में ही राइट किए हुए हैं और उनकी पिक्चर्स भी हैं। सो स्टूडेंट्स हम वही आइटम्स पढ़ा रहे हैं जो आपकी बुक में हैं। ओके, तो नेक्स्ट आइटम हमारा है इंक पॉट, जिसमें हम स्याही रखते हैं, इंक रहती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं इंक पॉट। इसमें किस कलर का इंक है, ब्लू कलर का। किस कलर का, ब्लू कलर का। और ये क्या है, इंक पॉट है। सो स्टूडेंट लर्न द स्पेलिंग ऑफ इंक पॉट, आई एन के, आई एन के पी ओ टी, पॉट, इंक पॉट। अलग अलग करके देखिए तो इंक पॉट, तो ये बन गया इंक पॉट, आई एन के, आई एन के इंक पी ओ टी पॉट, आई एन के पी ओ टी पॉट, इंक पॉट। ये क्या है, इंक पॉट। ओके, इसमें क्या रहता है, इंक रहता है। और इसमें इसमें इस इंक पॉट में किस कलर की इंक है, नाउ टेल मी किड्स, यस ब्लू कलर की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेशनरी आइटम हमारा क्या है, ब्रश। दिस इज ब्रश। ये ब्रश किस लिए यूज होते हैं, ब्रश तो बहुत प्रकार के होते हैं, बट ये वाला ब्रश किस लिए यूज होता है, कलर करने के लिए। किस लिए यूज होता है, कलर्स करने के लिए। ये देखिए, ये है ब्रश, इसमें हम ये वाला पार्ट कलर में जब डिप करते हैं तो कलर इसमें अच्छे से लग जाता है। और आप कुछ भी पेंटिंग बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो किससे करते हैं, ब्रश से। ओके, लर्न द स्पेलिंग ऑफ ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा स्टेशनरी आइटम, यस कलर बॉक्स। अभी हमने आपको दिखाया ब्रश, और यह है कलर बॉक्स। ब्रश किस लिए यूज होता है, कलर करने के लिए। जब हमारे पास कलर रहेंगे तभी तो हम ब्रश यूज कर पाएंगे। सो स्टूडेंट दिस इज कलर बॉक्स। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं, जिसमें से सारे कलर इकट्ठे रहते हैं, उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, कलर बॉक्स। ओके, ये क्या है, कलर बॉक्स। और इस कलर को हम किसके साथ यूज करते हैं, ब्रश के साथ। ओके, जिसको हमने अभी आपको दिखाया, अभी हमने आपको क्या दिखाया, ब्रश दिखाया। ओके, और हमने ब्रश की स्पेलिंग भी लर्न की, और अब क्या है ये, कलर बॉक्स। सो स्टूडेंट लर्न द स्पेलिंग ऑफ कलर बॉक्स, कलर बॉक्स, C O L O U R, कलर, B O X, बॉक्स। अब शार्प में हम बोलते हैं एक साथ, C O L O U R B O X, कलर बॉक्स। पेंसिल ली,
पेंसिल को शार्प भी किया, किसी किया शार्पनर से किया, कोई मिस्टेक हुई उसको हमने इरेज भी कर लिया, किसी किया इरेजर से, और हमने अपने हाथों में ब्रश ले लिया और ये लिया कलर बॉक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टेशनरी आइटम क्या है। क्रेयॉन कलर। क्या है? क्रेयॉन कलर। अभी तो आपने कलर देखा, वो वाटर कलर था, है ना। अभी ये क्या है? क्रेयॉन कलर। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर है। कौन कौन से कलर है? आर ई डी रेड ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, एंड ब्लू बी एल यू ई ब्लू। नेक्स्ट है ग्रीन, जी आर डबल ई एन ग्रीन, एंड नेक्स्ट है पिंक, पी आई एल के पिंक, और एलो वाई ई डबल येलो डब्ल्यू एलो, पर्पल पी यू आर पी यू एल ई पर्पल, ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन। तो इतने सारे कलर्स हैं। ये कौन से कलर है? क्रेयॉन कलर। लर्न द स्पेलिंग ऑफ क्रेयॉन कलर। सी आर ए वाई ओ एन सी ओ एल ओ यू आर क्रेयॉन कलर। सी आर ए वाई ओ एन क्रेयॉन कलर। सी ओ एल ओ यू आर कलर। क्रेयॉन कलर। तो ये है क्रेयॉन कलर। ओके, नेक्स्ट स्टेशनरी आइटम हमारा क्या है? यस, पिन। दीज आर पिन्स। ये सारी क्या है? पिन्स हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पिन्स हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, जब ढेर सारे पेपर्स होते हैं उसके इकट्ठे पेपर्स में पिन को हम होल्ड करते हैं इस पिन से हम क्या करते हैं, पेपर को होल्ड करके इकट्ठे पेपर को रखते हैं। ये भी पेपर को होल्ड करता है और ये भी पेपर को होल्ड करता है। ये पेपर में छिद्र करके और उसको इकट्ठे दबा के रखते हैं। ज़्यादातर ये ऑफिस में देखने को मिलेगा आपको। और ये भी पिन है। ये क्या है? ये भी पिन है। ये साड़ी वगैरह में लगाने के लिए यूज़ होता है, दुपट्टे वगैरह में, है ना। तो ये सारे पिन्स हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिन हैं। ओके, तो लर्न द स्पेलिंग ऑफ पिन। पी आई एन पिन, पी आई एन पिन। तो ये क्या है? पिन। अब हमने अपना कलर भी कर लिया और उसको इकट्ठे हमको रखना है, तो हम किसका यूज करेंगे? इस पिन का यूज करेंगे। हम सारे पेपर को एक साथ ले लेंगे और पिन से होल्ड करके इकट्ठा करके रख देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेशनरी आइटम है क्लिप। ये डिफरेंट टाइप के नहीं, डिफरेंट कलर्स के क्लिप हैं। ये ज़्यादातर ऑफिस में देखने को मिलता है और इसमें पेपर में, ये पेपर को होल नहीं करता, छेद नहीं करता, इकट्ठे पेपर में ऐसे लगा के आप रख देंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लिप है। दीज आर क्लिप्स। ओके, ये क्या है? दीज आर क्लिप्स हैं। लर्न द स्पेलिंग ऑफ क्लिप। सी एल आई पी क्लिप, सी एल आई पी क्लिप। ओके, नेक्स्ट स्टेशनरी आइटम हमारा है स्केल। दिस इज स्केल। स्केल भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। ये छोटी वाली है, कोई इतनी बड़ी होती है, और है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अपनी लाइन सीधी ड्रॉ करने के लिए या ट्रायंगल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। किस क्या यूज़ करते हैं हम? स्केल। इसे हम क्या कहते हैं? स्केल। ओके स्टूडेंट्स, लर्न द स्पेलिंग ऑफ स्केल। एस सी ए एल ई स्केल, एस सी ए एल ई स्केल। ओके स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे आइटम्स देखे, स्टेशनरी आइटम देखे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे स्टेशनरी आइटम्स आपकी ईवीएस बुक में हैं और उनकी स्पेलिंग भी राइट की हुई है। आपको भी क्या करना है? इन स्पेलिंग को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है कि अब हमारा वर्क यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब मैम चलती हैं, मिलेंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।